सारे मोह माया बंधनों को तोड़कर सब पर प्यार लुटा और हमी से मुंह मोड़कर, सारे मोह माया बंधनों को तोड़कर सब पर प्यार लुटा और हमी से मुंह मोड़कर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं लड़कियां एक बस मेरे घर के पते को छोड़कर। अपनी खुशी की मुझे बर्बादी मना लेनी है, कुछ इस तरह ही सही मुझे आज़ादी मना लेनी है। अपनी खुशी की मुझे बर्बादी मना लेनी है, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह ही सही मुझे आज़ादी मना लेनी है। एक बार कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन जाए मेरी बस, फिर अगली सुबह होते ही मुझे शादी मना लेनी है। और कॉलेज का प्यार से याद आया, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कैसे होती है कि एक संग दिल पर जाना हम भी मरे हैं दोस्त, मोहब्बत के नाम से हम भी डरे हैं दोस्त। एक संग दिल पर जाना हम भी मरे हैं दोस्त, मोहब्बत के नाम से हम भी डरे हैं दोस्त। जो कर रहे हो काम बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हें, मगर ये गुड मॉर्निंग भेजने वाले चुतिया पे हमने भी करे हैं दोस्त। कुछ साल हो जाते हैं रिलेशनशिप को, वो लड़की आती है, तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो उस लड़की से कहूँगा कि क्या है दिल में मेरे, दिल फाड़ के बता देता, कलेजे पर नाम तेरा गाड़ के बता देता। क्या है दिल में मेरे, दिल फाड़ के बता देता, अपने कलेजे पर नाम तेरा गाड़ के बता देता। बोली कितना प्यार है तुम्हें मुझसे बताओ तो सही, मैंने कहा प्यार का इंची टेप नहीं वरना नाप के बता देता। निशानी के तौर पर वो अपनी याद देकर चली गई, जो बिताएं संग लम्हे वो मुलाकात देकर चली गई। निशानी के तौर पर वो अपनी याद देकर चली गई, जो बिताए संग लम्हे वो मुलाकात देकर चली गई। ता उम्र देते रहे ग्रीटिंग कार्ड हम जिसे, वही आखिर में अपनी शादी का कार्ड देकर चली गई। आजकल बेस्टी का ट्रेंड चल रहा है, गर्लफ्रेंड से ज़्यादा डिमांडिंग बेस्टी हैं। हाँ भाई को एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं के लिए, जान तुम हमसे अनजान हो कैसे, हमारे लिए इतनी परेशान हो कैसे, और ऑर्डर तो तुम ऐसे देती हो मानो तुम दोस्त नहीं हमारी बेगम जान हो जैसे। और एक ही आखिरी है इसी क्रम में, जमी को छूं तो अंबर हो जाए, प्यार का हंसी ये मंजर हो जाए। जमी को छूं तो अंबर हो जाए, प्यार का हंसी ये मंजर हो जाए। मेरे सामने तू पढ़ जान ऐसी गणित, मैं जो भी लिखूं वो तेरा व्हाट्सएप नंबर हो जाए। और एक अगली क्रम में एक कहानी के तौर पे है, बस एक मिनट की है, ऑफिस का प्यार। शुरू करेंगे कि हाथों में घड़ी बालों में जेल लगा के गया था। जी काल्पनिक नहीं है, थोड़ा वास्तविक है। हाथों में घड़ी बालों में जेल लगा के गया था, मैं यार अपना पहला इंटरव्यू देने गया था। जैसे तैसे करके मुझे नौकरी मिल तो गई, पर क्या पता था नौकरी पाकर दिल अपना देने गया था। जब इंटरव्यू की बात होता ना कि आप इसके अंडर काम करेंगे, तो जो सीनियर लड़की थी हमारी जो सिखाएगी हमें, तो वो लड़की सबको पबजी खेलना सिखा रही थी, मुझको जूनियर खुद को मेरा सीनियर बता रही थी। वो लड़की सबको पबजी खेलना सिखा रही थी, मुझको जूनियर खुद को मेरा सीनियर बता रही थी। औहदे में बड़ी हूँ तुम्हें ये अनुमान होना चाहिए, औहदे में बड़ी हूँ तुम्हें ये अनुमान होना चाहिए, केवल नाम से काम नहीं चलेगा बच्चू, नाम के आगे मैम होना चाहिए। सीनियर होने का पूरा रौब जमाना चाहती थी, दरअसल वो मेरे अंदर अपना खौफ बनाना चाहती थी। दो तीन दिन में ऑफिस का सारा काम बता दिया, खुद अपना नंबर अपनी ही जुबान से बता दिया।
खुद अपना नंबर अपनी ही जुबान से बता दिया। बोली, ज़रूरत पड़े तो बेझिझक होकर कॉल कर लेना, अगर नहीं उठाऊँ तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर लेना। हम भी हिंदुस्तानी लौंडे थे, ये मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। हम भी हिंदुस्तानी लौंडे थे, ये मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। दिल के राज को आसानी से कहाँ खोलने वाले थे। मोहब्बत की केज में मैं फंसने चला था, मैडम का नंबर जान के नाम से सेव करने चला था। मोहब्बत की केज में मैं फंसने चला था, मैडम का नंबर जान के नाम से सेव करने चला था। व्हाट्सएप की डीपी देख दिमाग आर पार हो गया, व्हाट्सएप की डीपी देख दिमाग आर पार हो गया। पूछताछ की तो पता चला मैडम की शादी को 2.5 साल हो गया। धन्यवाद।